नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दिन है आज की सोमवार और तारीख है 11 आज, और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। करीबन यहाँ पे देखिए 9:30 बज रहे हैं अभी, और हमारी ये देखिएगा सब्जियाँ आ गई थी घर पे। तो सब्जियां घर पे आ गई थी और सब्जियों में ज़्यादातर अभी तोरई है, भिंडी है और कद्दू की हो गई, और खीरा तो अभी मूली भी बहुत ताज़ी अभी आ रही है मार्केट में, बहुत अच्छी अच्छी ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं। तो सुबह सुबह रोज़ के ही सब्जी आ जाते हैं हमारे घर में, 1 से 2 दिन छोड़ के अक्सर आ ही जाते हैं। तो ये खट्टे में सब्जी जो है ना हफ्ते भर की नहीं आती, क्योंकि फ्रिज वाली सब्जी फिर बाद में अच्छी नहीं लगती है। तो ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खाए तो वही अच्छी रहेगी। और यहाँ पे हमारी देखिए हरी मिर्ची भी साथ में आई थी। तो इससे पहले जो है ना दोस्तों, हमारे घर पे बहुत सारे नींबू आ गए थे, क्योंकि हमारे किसी चाचा के घर पे जो है ना बहुत सारे नींबू के पेड़ लगे थे, तो उन्होंने ही भिजवाए थे। तो बहुत सारे नींबू तो इस तरह से क्या हुआ, फ्रिज में मैंने रख दिया था और बर्बाद भी हो गए, तो नींबू के अचार तो बन नहीं पाए। तो हम मैंने सोचा चलो आज हरी मिर्ची के ही अचार को बना लिया जाता है। तो नींबू थोड़े ही बचे थे, तो उनमें तो बहुत सारे नींबू ख़राब भी हो गए थे, तो बाद में मुझे फिर से मंगा के इसके लिए नींबू मैंने यूज़ किया है। तो फिलहाल अभी जो बचा है उसी से हम तैयार कर लेंगे मिर्ची के अचार। और ये हमारी फ़िल्टर देख लीजिए, ख़राब हो चुकी है, 2 दिन से इसकी सर्विसिंग होने के लिए बाकी हो रही थी। तो अभी जो है ये इसके आपको दिखा है, ये जो नल का हिस्सा है ना, ये जहाँ से हम लोग पानी लेते हैं, तो ये टूट गई थी, यही हमारी टूट गई है, तो इसी की सर्विसिंग होनी है। तो बहुत दिक्कत हो रही है, पानी नहीं होने के वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। तो वो जार वाला पानी होता है ना, बस वही लोकल मार्केट से वही मंगाए हैं। तो मिर्ची हमारी कट गई थी, इसमें मैंने यहाँ पे हल्दी को मिक्स कर देंगे। तो हल्दी मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच ले लिए थे, और नमक भी इसमें डाल देंगे इकट्ठे में। और मिर्ची जो है ना पहले धोने से पहले मैंने अच्छे से इसको धो लिया था, और धुल के जो है मैंने यहाँ पे इसे धूप में अच्छे से पानी को सुखा लिया था, उसके बाद मिर्ची को मैंने कट किया था, क्योंकि पानी का अंश रहने के बाद मिर्ची हमारी क्या है ना ख़राब हो जाती। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्ची को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे हल्दी नमक के साथ। तो इसको थोड़े टाइम के लिए धूप और भी हमें दिखा देना है। करीबन ये देखिए मैंने 1.5 से 1 घंटे के लिए धूप लगाए थे इसमें, और यहाँ धूप में ही हमारी देखिए चारपाई पे गेहूं सूख रही थी। तो गेहूं को जो है आज सुबह सुबह ही धुले थे, और ये देखिए तो आटे ख़त्म हो गए थे, तो उसी के लिए गेहूँ तो आज के लिए आज तैयार नहीं हो पाएगी, कल सूख जाएगी तो अच्छे से तब इसे पिसवा लेंगे। और यहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन भी आई थी, ये जिस दिन ये जन्माष्टमी था ना, वो उस दिन ही हमारे सामने ही आई थी यहाँ पे। तो इसके लिए जो है जगह सही से सुटेबल जगह नहीं बन पा रही थी, यहाँ देखिए इधर साइड से खुली है ना, तो बारिश के पानी और बारिश दोनों हवाएं बहुत चल आ जाती है इस पर, हवाई थोड़ी भी चलती है ना तो इस गली में हवा से पानी को पूरा हमारे हॉल तक पानी को भर देता है। तो इसके लिए यहाँ पर सेट गिराया जाएगा, तो बस उसी की तैयारी लगी हुई है। और मेरा आयु सोया हुआ नहीं है, देखिए खेल रहा था और नाभ्या सो गई थी। और हम अचार के लिए तब तक यहाँ पे मसालों को भी तैयार कर लेंगे। तो मसाले में दोस्तों ये जीरा, खड़ा जीरा लिया है, और मेथी के दाने लिए हैं, और यहाँ पे आप थोड़े से जो है इसमें अजवाइन ले लीजिए, और थोड़ा सा इसमें मैंने यहाँ पर कलौंजी ली है तो इस तरीके से, और थोड़ा सा धनिया भी, खड़ा धनिया लिया है मैंने, थोड़े थोड़े ये लिए हैं जितने ज़रूरत है, मिर्ची के हिसाब से मैंने मसालों को लिया था। और इसे हम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूलेंगे, जलाएंगे नहीं इसे, हम थोड़े टाइम के लिए भूनेंगे। और कलौंजी को छोड़ के यहाँ पर इसे हम भूनेंगे, क्योंकि कलौंजी साथ में अगर डाल देते हैं ना तो वो तीतापन आ जाएगा, तो उसे हम छोड़ के ही इसमें इस तरीके से भूनेंगे। और ये देखिएगा थोड़े टाइम मैंने हीट में ही इसे भूना, तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही हो गया था। तो इसे हम मिक्सी के जार में ले लेंगे,
तो मिक्सी का जार जो है ना पहले गीली थी, तो थोड़े से इसको मैंने सुखा लिया था, कपड़ों से अच्छे से पोंछ लिया था। इसके बाद इसमें हम भर लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको क्या है ना, हम ज़्यादा ये पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे, ताकि ये इसे क्या होता है ना, मसाला जब तेल के साथ फूलेंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगता है उसका मसाला खाने में। तो बस वही हम थोड़ा सा दरदरा भुनेंगे, तो रुक रुक के ही चलाएंगे मिक्सी को ना, तभी दरदरा रहेगा। ये नहीं कि खट्टे में आप 3 से 4 पॉइंट पे आप इस तरीके से घुमा लीजिए इसे, वैसा नहीं कीजिएगा। तो अच्छे मसाले तैयार होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो पैन में मैंने मसालों को भूनना था ना, उसी पैन में हम सरसों तेल को थोड़ा सा यहाँ पे हीट ले लेंगे, इसमें हीट लगा देंगे ताकि इसका जो झांस होता है ना वो निकल जाएगा। और ये देखिएगा मेरी नींबू कट रही है अभी, तो 3 से 4 मैंने नींबू को यहाँ पे कट करके उसके रस को ले लिया है। और अभी हम सभी मसालों के साथ इस मिर्ची को मिला लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये खट्टे में पहले मैंने तैयारी कर ली थी ताकि मुझे कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। देखिए सारे चीज़ को मैंने इस तरीके से इकट्ठे कर लिया है। और उसके बाद क्या होता है ना, कैमरे में शूट करने में भी थोड़ी परेशानी नहीं होती, क्योंकि खुद से ही सारा काम करना होता है मुझे, कैमरे को सेट करना, शूट करना और वर्क भी करना। तो क्या चीज़ को दिखाना है नहीं दिखाना है, वो सारे चीज़ को कभी कभी तो मुझसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। और मेरी आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, अभी भी हमारे गले में बहुत जोड़ की खराश है। ये देखिएगा गला सही से बोलने के लिए नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अभी रात रात भर जागना भी हो जाता है, आयु की वजह से बहुत जागना हो रहा है, मेरे से काम सही से हो नहीं पाता है। ऐसे में मिर्ची के अचार ने सभी को डिमांड कर दिया कि मिर्ची के अचार भी बन जाने चाहिए, तो सोचा चलो आज के दिन ही बना लेते हैं। और हमारा जो है युवा भी स्कूल गई थी, बड़ी लड़की हमारी स्कूल चली गई थी, वो आई नहीं थी। जब आने से पहले तक में हमें नहाना धोना सब करना होता है, तो बस मैंने नहा लिया था। और इसके बाद छोटी वाली को आज मैंने नहीं भेजा है, उसके स्कूल को मैंने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसे भी मतलब 2-3 दिन से सर्दी जुकाम तो था ही, लेकिन अभी जो है ना रात से ही फीवर भी आ गया था, तो मैंने उसे आज स्कूल भी ऑफ करा दिया। घर पे रहेगी तो रेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और हमारी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बस इसी कारण से मैंने चलो एक को ऑफ करा दिया। अगर इनकी भी तबीयत बिगड़ गई तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे, मुझे ये सब परेशानी झेलनी पड़ती है। और यहाँ पे हम तेल को भी मिला लेंगे, तो तेल जो है ना हम थोड़ा सा रुक रुक के डालेंगे। देखिए पहले क्या है ना, मसालों को मैंने मिला लिया था ताकि मिर्ची के जो कटे हुए मिर्ची में है ना वो मसाले अच्छे से भर जाए। उसके बाद मैंने सरसों के तेल को मिलाया है ताकि ये तेल भी ज़्यादा ना रहे, रुक रुक के मिलाइए आप, जितना ज़रूरी है उतना ही लीजिएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कोई ठीक तरह से होती नहीं। जितनी मिर्ची यानी कि तेल की क्वांटिटी बिल्कुल आप सही ले पाओगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इससे अच्छा है कि रुक रुक के ही मिलाएं। तो ये देखिए जितना भी तेल मैंने लिया था ना वो सारा लग गया इसमें, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया मैंने। तो अचार हमारी देखिए रेडी हो गई है। 1 से 2 घंटे के लिए और भी हम इसमें धूप लगा लेंगे ताकि ख़राब होने का कोई भी गुंजाइश नहीं हो। और फिर आप किसी भी बर्नी या जार में इसे भर लीजिए और अच्छे से मिर्ची के अचार को एंजॉय कीजिए, बहुत स्वादिष्ट होती है। और सबसे ज़्यादा मिर्ची की खपत होती है हमारे घरों में अचार की, इस मिर्ची वाले अचार को तो लोग खाना इतना पसंद करते हैं हमारे घर में, भर भर के इसे खाने में हो, नाश्ते में हो, हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो आम का अचार थोड़ा सा खट्टा होता है, तो उस अचार से थोड़ा सा बच के ही रहते हैं। मिर्ची का अचार है तो थोड़ा सा लेके खा लिए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और हम जब तक इधर मिर्ची के अचार को रेडी कर रहे थे तब तक फिल्टर वाले भैया भी आ गए थे, और उन्होंने क्या हुआ फिल्टर को ठीक भी कर दिया है।
और चलिए बाहर की ओर से दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए शेड के लिए पाइप जो लाया गया था, तो लोहे की पाइप है ये, अंदर से होल है इसमें, एक लेंथ में है होल है इसके, कट करके यहाँ पे जो है ना दीवार पे पहले स्टैंड की तरह बनाया जाएगा, फिर इसके ऊपर जो है एल्वेस्टर जो शेड होता है ना बस उसी को यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसका मेजरमेंट के साथ यहाँ पर देखिए इसको काट लेंगे भैया लोग। और ये देखिए शेड लग भी गया था, 2-2.5 घंटों में इस शेड को डाल दिया गया, बहुत ही आसान तरीके से एकदम भैया लोग ने इतने फुर्ती में इसको तैयार किया है ना कि मैं तो देखती रह गई। और ये देखिए हमारे वॉशिंग मशीन भी स्टार्ट हो गया, कपड़े डाल दिए थे भाई ने, सारे कपड़े को इकट्ठे में उसने पहले से ही लगा दिया। और मुझे इसके फंक्शन अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसका फंक्शन कैसे सेटिंग किया जाएगा, तो भाई ने एक बार तो बता दिया है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। तो फिर मतलब सीखते सीखते ही सीखना होता है, कुछ चीज़ें देखो तो ही सीखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा देखिए ये फिल्टर ठीक हो गया था, आगे से नल का जो है ना सेटिंग ये न्यू वाले लेके आ गए थे भैया, तो उसको साथ में ही सेट कर दिया, साथ में ये जो फिल्टरिंग वाला जो होती है अंदर से होता है ना उसको भी चेंज करने वाले हैं भैया, तो उसको भी चेंज कर देंगे, तो दोबारा से यहाँ पे मेहनत नहीं लगेगा इनको, इनको परेशान करने का भी नहीं होगा, अभी फिर पूरी तरीके से ये ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है या बहुत कम ही अच्छा लगता है लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ और सपोर्ट की मुझे भरपूर ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, हम मुझसे आप कैसी वीडियो चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.